नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की नई सरकारी भर्ती की जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे शामिल की गई हैं, आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ। स्टाफ नर्सेज के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ चुका है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे A&M की वैकेंसीज रहेंगी, साथ ही साथ मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। अंत में यहाँ पे देखिए काउंसलर और मैनेजर ये वैकेंसीज भी यहाँ पे सम्मिलित कर ली गई हैं। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, ये जो पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है, हेडिंग आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बोकारो और जिला स्वास्थ्य समिति बोकारो झारखंड सरकार के अंतर्गत ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। NHM भर्ती यहाँ पर रहेगी और देखिए इसके लिए जो है विज्ञापन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, किस तरीके से अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पर शामिल की गई है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन के तौर पर योग्यता आपसे यहाँ पर क्या क्या मांगा जाने वाला है अप्लाई करने के लिए, पर मंथ कितनी सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी और अप्लाई करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। सबसे पहले और सबसे ये जो जानकारी है एकमात्र हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको यहाँ पर मिली है, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग आपसे पूछ सकते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पर क्लिक कर लें और स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी वैकेंसी टेबल की ओर। तो दोस्तों देखिए पहली जो पोस्ट यहाँ पर जो शामिल की गई है फिजिशियन की यहाँ पर रहेगी या फिर देखिए कंसल्टेंट की, और देखिए MBBS डिग्री आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है 4 साल के अनुभव के साथ, और देखिए अगर आपके पास 4 साल का अनुभव नहीं है तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, मात्र जो है MBBS की डिग्री होना आपके पास यहाँ पर जरूरी है। और देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है, 2 पद यहाँ पर शामिल की गए सभी कैटेगरीज को मिला के। और यहाँ पर देखिए अगली जो वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की रहेगी, SNCU डिपार्टमेंट के अंतर्गत MBBS डिग्री आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन भी आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है, 3 पद यहाँ पर शामिल किए गए सभी कैटेगरीज को मिला के। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों देखिए मेडिकल ऑफिसर की है, CSC के अंतर्गत ये पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, MBBS की डिग्री आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का आपके पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और देखिए डिजायरेबल के तौर पर देखिए 4 साल का अनुभव भी आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है, अनुभव नहीं है तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई करें। और देखिए 7 पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई हैं सभी कैटेगरीज को यहाँ पर मिलाकर। और देखिए अगली जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की है, NUHM कहने वाली बात है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये पोस्ट है, MBBS की डिग्री आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन भी होना आपका यहाँ पे जरूरी है, 3 पद यहाँ पे शामिल किए गए सभी कैटेगरीज को यहाँ पे मिला के। दोस्तों देखिए जितनी भी पोस्ट मैंने आप सभी लोग को यहाँ पे बताई है, आप सभी लोग को जो सैलरी पैकेज है 63,000 रुपये आपको यहाँ पर मंथ बेसिस पे मिलने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपनी अगली पोस्ट की ओर, तो देखिए यहाँ पे ANM की वैकेंसी है, NHM के अंतर्गत ये पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पर जरूरी है, ANM का सर्टिफिकेट कोर्स आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है और देखिए आपका रजिस्ट्रेशन होना भी यहाँ पर जरूरी है, 10 पद यहाँ पर शामिल किए गए और सभी कैटेगरीज को मिला के 10 पद यहाँ पर रहेंगे, 9,900 रुपये जो है आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। अगली जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स की रहेगी, यहाँ पर देखिए GNM की वैकेंसी है, NHM के अंतर्गत ये पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, 12th क्लास यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट है तो बिल्कुल अप्लाई करें, 3 साल का जो है आपका यहाँ पर नर्सिंग का कोर्स आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है और देखिए रजिस्ट्रेशन भी होना आपका यहाँ पर जरूरी है झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। 27 पद यहाँ पर शामिल किए गए सभी पोस्ट को यहाँ पर मिलाकर, सभी कैटेगरीज को यहाँ पर मिला के 14,300 रुपये आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। दोस्तों अगली जो वैकेंसी है वो रहेगी यहाँ पर देखिए ब्लॉक डेटा मैनेजर की, और देखिए ग्रेजुएशन डिग्री आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है, 1 साल का अगर आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स है या फिर देखिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स है, ITI है तो भी बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आवेदन करें। और दोस्तों देखिए 2 साल का अनुभव भी आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है और देखिए वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास ये है कंप्यूटर के अंतर्गत तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई करें, 2 पद यहाँ पर शामिल किए गए और देखिए 8,000 रुपये आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। अगली जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट की यहाँ पर रहेगी, और देखिए RBS के प्रोग्राम के अंतर्गत ये पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है फार्मासिस्ट की, डिप्लोमा आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है फार्मेसी का और देखिए आपका जो है झारखंड फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन भी होना यहाँ पर जरूरी है और देखिए कंप्यूटर का भी ज्ञान आपको यहाँ पर आना चाहिए, 12 पद यहाँ पर शामिल किए गए सभी कैटेगरीज को यहाँ पर मिला के। और यहाँ पर देखिए 10,450 रुपये आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। और देखिए अगली जो वैकेंसी है अंतिम पोस्ट है, और देखिए काउंसलर की ये वैकेंसी निकाली गई है MTC के अंतर्गत, और देखिए मास्टर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो, फूड साइंसेज के अंतर्गत या फिर देखिए न्यूट्रिशन के अंतर्गत, होम साइंसेज के अंतर्गत, 1 साल का अनुभव अगर आपके पास है हेल्थ सेक्टर का, और देखिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है अगर आपके पास, और देखिए गुड मैनेजमेंट स्किल आपके पास यहाँ पे होना जरूरी है, ये डिजायरेबल है। और देखिए फीमेल कैंडिडेट हो तो देखिए आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, और देखिए लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको यहाँ पे होना चाहिए, और देखिए टीम को आपको फॉर्म करने का जो है आपको यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, मीन्स टीम के साथ आप लोग यहाँ पे कार्य कर पाएंगे इसकी जो है एबिलिटी आपको यहाँ पे हो। और देखिए 3 पद यहाँ पे शामिल किए गए सभी कैटेगरीज को मिला के, 9,900 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। तो ये पूरी वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, तो जो भी आपकी एज है देखिए जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं जितने भी डॉक्टर्स हैं आप सभी लोग को बोला जा रहा है 1/9/2020 तक जो है आपकी उम्र 67 एज तक, इससे ज़्यादा आपको ना हो,
चाहे ओबीसी क्यों, चाहे जनरल क्यों, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट क्यों, चाहे शेड्यूल ट्राइब क्यों, तो देखिए आपकी जो उम्र है 67 ईयर्स से ज़्यादा आप यहाँ पे ना हो। और देखिए बाकी के जितनी भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं आप सभी लोग के लिए, देखिए एएनएम के लिए चाहे जीएनएम हो, चाहे देखिए स्टाफ नर्स हो, और यहाँ पे देखिए आप लोगों को कम से कम 21 साल आपके यहाँ पे उम्र हो। और देखिए जनरल कैंडिडेट को देखिए 35 साल उम्र यहाँ पे रखी गई है, ओबीसी के लिए देखिए 37 उम्र यहाँ पे रखी गई है, फीमेल जो कैंडिडेट है अंडर कैटेगरी में 38 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के देखिए कैंडिडेट्स को 40 साल तक के उम्र यहाँ पे रखी गई है। और लेकिन देखिए 21 साल कम से कम आपके यहाँ पे उम्र होना जरूरी है। अगली जो देखिए पोस्ट है फार्मासिस्ट की, या फिर देखिए मैनेजर की, या फिर देखिए काउंसलर की, आप सभी लोग को कम से कम 21 वर्ष यहाँ पे हो जाना चाहिए। जनरल के लिए देखिए यहाँ पे 45 साल रखी गई है, ओबीसी के यहाँ पे देखिए 47 ईयर रखी गई है, फीमेल जो है यहाँ पे अंडर की देखिए 48 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट है 50 साल आपके यहाँ पे उम्र रखी गई है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए आवेदन करने के लिए आपको जो है आपको पॉइंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, बोला जा रहा है उपरोक्त योग्यता से अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नलिखित विविध प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों के साथ जो है अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण का दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो भी आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, और देखिए जन्म तिथि से संबंधित जो भी आपका 10वीं क्लास की मार्कशीट है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आप लोगों को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप लोगों को जो है सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में आपको यहाँ पे भेज देनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग यहाँ पे संकलन करना होगा। और लास्ट डेट आप सब लोग यहाँ पे देख लें 30 सितंबर 2020, इसके यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। इस डेट तक जो है आप सब लोग यहाँ पे आवेदन जमा कराएं। और देखिए दिनांक 30 सितंबर 2020 के बाद अगर आप लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं तो देखिए आपके आवेदन पर यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे देखिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप सब लोग यहाँ पे भेज दें। एड्रेस आपको यहाँ पे दिया जा रहा है सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बोकारो के कार्यालय में जमा आपको यहाँ पे करना है। और लिफाफे के ऊपर जो है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, ये नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें से देखिए विज्ञापन की संख्या, पोस्ट का कोड और आपकी पोस्ट का नाम, ये इन्फॉर्मेशन जो है लिफाफे के ऊपर मेंशन होना जरूरी है। अब देखिए नीचे की तरफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जा रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग यहाँ पे फिल करें। बेसिक डिटेल है आपको, अपना नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस वगैरह, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल, आपकी यहाँ पर जो भी अनुभव है सारी जानकारी आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, डिक्लेरेशन साइन करेंगे और फोटोकॉपी का जो भी सेट है वो आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है, उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पर इस वीडियो से मिली है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। 30 सितंबर तक का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इस डेट तक जो है आप लोग यहाँ पर आवेदन करें और उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लाइक जरूर करेगा सबसे पहले। और सबसे तेज ये जो जानकारी है एकमात्र हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपका मिली है, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग हमसे आप पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पर क्लिक कर लें और स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।